नमस्कार, इलेक्ट्रिक सर्किट के लेक्चर नंबर 28 में आप सभी का स्वागत है। आज हम एच पैरामीटर्स पर एक एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप फिगर 13.48 में देख पा रहे हैं, आपको एक सर्किट गिवन है या टू पोर्ट नेटवर्क गिवन है। इस टू पोर्ट नेटवर्क में आपको हाइब्रिड पैरामीटर्स निकालने के लिए बोला गया है। हाइब्रिड पैरामीटर्स के फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए। H11 जो है वो होता है V1 upon I1 when V2 equal to 0 and H21 होता है I2 upon I1 when V2 equal to 0। Similarly H12 होता है V1 upon V2 when I1 equal to 0 and H22 होता है I2 upon V2 when I1 equal to 0। So basically एक बार हमें आउटपुट साइड जो है उसे शॉर्ट करना है और H11 और H21 की वैल्यू निकालनी है, और एक बार हमें क्या करना है, इनपुट साइड ओपन करना है यानी I1 की वैल्यू जीरो करनी है और V1 अपॉन V2 एंड I2 अपॉन V2 की वैल्यू निकालनी है ताकि हम H पैरामीटर्स की वैल्यू निकाल सकें। तो केस वन लेते हैं, जब हमने आउटपुट साइड शॉर्ट कर दिया है। जैसा कि आप फिगर 13.49 में देख पा रहे हैं, हमने आउटपुट साइड यहाँ पर शॉर्ट कर दी है और हमें V1 अपॉन I1 निकालना है व्हेन V2 इज इक्वल टू 0। यानी इस 13.49 फिगर के केस में V1 अपॉन I1 हमें निकालना है। तो हम ये कैसे निकाल सकते हैं? जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, हम इस होल सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस निकाल लें, और वो टोटल रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा? V1 अपॉन I1 के बराबर होगा। तो हमने यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं 1 ओम जो है इसको हमने जोड़ा है दो पैरेलल आपके रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं उनके साथ, और यहाँ पर आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हमने 2 ओम निकाल ली है। 4 ओम का यहाँ पर कोई अस्तित्व नहीं बचा क्योंकि उसके पैरेलल में एक शॉर्ट सर्किट है, तो करंट 4 ओम के थ्रू फ्लो नहीं होगा। इसलिए इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट निकालते वक्त हमने 4 ओम को कंसीडर नहीं किया गया है क्योंकि उसके पैरेलल में क्या हो रखा है, शॉर्ट सर्किट हो रखा है। और इस प्रकार से हमने H11 की वैल्यू निकाल ली है। अब हमें निकालना है H21 जो कि I2 अपॉन I1 है व्हेन V2 इज इक्वल टू 0। तो यानी फिगर 13.49 के केस में ही हमें I2 अपॉन I1 निकालना है। सो I2 अपॉन I1 हम सिंपली करंट डिवीजन रूल से निकाल सकते हैं क्योंकि जो सोर्स है वो केवल V1 है, उससे निकलने वाला करंट ही फर्दर सर्किट में डिवाइड हो रहा है और कहीं ना कहीं वो I2 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो करंट I1 है वो जाएगा फ्लो होते हुए ब्रांच, यहाँ पर दो ब्रांच हैं तो कुछ इस तरफ जाएगा और कुछ इस तरफ जाएगा। यहाँ से कोई करंट नहीं जाएगा क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट है पैरेलल में, और ये दोनों ब्रांचेस क्योंकि बराबर हैं, बराबर रेजिस्टेंसेस हैं, यानी करंट जो है इक्वली डिवाइड होगा और H21 का वैल्यू आएगा -1/2। केस टू में देखिए, आपने जब इनपुट साइड ओपन कर दिया है, फिगर 13.50 आप देख पा रहे हो, इस केस में हमें आर इक्विवेलेंट सर्किट जो है उसको देखना है कि आर इक्विवेलेंट क्या है। तो यहाँ पर आर इक्विवेलेंट आप देख पा रहे हैं ये 2 ओम के इक्वल है, और हमने ये पैरेलल ब्रांचेस में कुछ करंट अज्यूम किए हैं IY एंड IX, और इन IY एंड IX की वैल्यू हमने निकाल ली है। IY जो है I2/2 है, इसी तरह से IX जो है I2/2 है। ये निकलने के बाद हमारे पास H12 एंड H22 की वैल्यूज आ गई है, और इस प्रकार से हम H पैरामीटर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। थैंक यू।